रोहतक में आम आदमी पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। रोहतक में आम आदमी पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर देश में जाँच एजेंसियों के बहाने दहशत का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं, कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है। प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे, जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी, मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी मोदी जी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि वो राजनीति में व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 सिद्धांत हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर उपस्थित लोगों को चलने की अपील की है। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में केजरीवाल के सिद्धांतों का कितना असर पड़ता है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।